नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पेपर, जो हमने सेट किया है, और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और ये 100 मार्क का होगा। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने नंबर आपके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जर्क टाइप फ्यूल पंप किस प्रकार के पंप होते हैं? चल, स्थिर, स्लाइड, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। जो जर्क टाइप फ्यूल पंप होते हैं वो स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो कि आपका ये एग्जाम चला हुआ है, तो आपने सही से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाइड्रोलिक गवर्नर में कंट्रोल रॉड किसके साथ जुड़ी रहती है? गियर बॉक्स के साथ, एक्सीलेटर के साथ, सिम्स के साथ, गवर्नर के साथ। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रेडिएटर सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? पीतल, एल्युमिनियम, तांबा व पीतल, कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा व पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वह ताप बिंदु जिस पर तेल बाष्पीकृत होता है क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट, ग्रेविटी फीड, फ्लैश फीड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइल पंप का क्या कार्य है? दबाव के साथ वाइल को भेजना, वाइल को खींचना, जली हुई गैसों को बाहर करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दबाव के साथ वाइल को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैमशाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा वाइल पंप चलाया जाता है? बेन टाइप, प्लंजर टाइप, रोटर टाइप, गियर टाइप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गियर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोस्टेट बल्ब को पानी के, ऑप्शन नंबर ए, निकास मार्ग पर लगाया जाता है, प्रवेश मार्ग पर लगाया जाता है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकास मार्ग पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहनों के चेसिस में फ्रंट एक्सल से जुड़ा होता है, तो क्या जुड़ा होता है? गियर ट्रेन, स्टेयरिंग, फ्लाई व्हील, ये सभी। तो इसका आंसर है स्टेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हील ट्रैक होता है, पिछले पहियों के बीच की दूरी, अगले पहियों के बीच की दूरी, अगले व पिछले पहियों के बीच की दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगले पहियों के बीच की दूरी को व्हील ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंगल डेक तथा डबल डेक प्रकार है तो किसका प्रकार है ये? बस का, स्कूटर का, वैन, मोपेड का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वाहन के स्टार्ट न होने के स्थिति में उसके निम्न में से किस भाग दोष हो सकता है? इंजन वो ईंधन प्रवाह में, सस्पेंशन प्रणाली में, स्टीयरिंग प्रणाली में, डिफरेंशियल बॉक्स में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंजन वो ईंधन प्रवाह मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, VIN को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंजन संख्या से, चैसी संख्या से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैसी संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, सॉव मैनुअल डैश द्वारा बनाया जाता है, वाहन निर्माता, वाहन के मैकेनिक, सेकेंडरी पार्टी, ये सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाहन निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग विकिरण के खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है? लाल, नारंगी, हरा, बैंगनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, थर्मोसाइफन प्रणाली है, तो जो थर्मोसाइफन सिस्टम है वो क्या है? जल कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, एयर और बी दोनों, फोर्ड फील्ड सिस्टम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल शीतनल प्रणाली, ए वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन बैरिंग घर्षण रोधी सेंट्रीफ्रिक्शन होती है? कॉलर बैरिंग, फुल जर्नल बैरिंग, नेडल बैरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेडल बैरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल गियर्स में प्रारंभिक संपर्क, इंटीशियल कॉन्टैक्ट होता है, लाइन, पॉइंट, सरफेस कहा नहीं जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदु, पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, डीजल में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 60 से 65% तक, 70 से 75% तक, 85 से 88% तक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 85 से 88% तक डीजल में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, CRDI प्रणाली में उच्च हाई प्रेशर डीजल पंप को ड्राइव किया जाता है, केम शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से, फ्लाई व्हील से, टाइमिंग गियर से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रैंक शाफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम शीतलन की ऑन ऑफ कार्यविधि को नियंत्रण करता है?
फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम, इग्निशन कंट्रोल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 8 अगस्त को, 4 जुलाई को, 10 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां है, राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25वां है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पेपर में आ सकता है। सोना, तांबा, एल्युमिनियम, उर्वरक। तो इसका सही आंसर है तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, 28, गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29वां है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल नहीं है? थार, कालाहारी, गोबी, सहारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थार। नेक्स्ट है,
29वें का है, ऑप्शन नंबर ए थार। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, मिसिसिपी, नील, अमेजन, ड्यूम्ब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्जर चलाया जाता है, इंजन से, इंजन के धुएं से, टरबाइन से, ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजन के धुएं से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32वां, डीजल में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, ये दोबारा से हो गया सॉरी रिपीट। तो इसका आंसर है 85 से 88% तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33वां है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां है, इंजन के लिए स्पार्क प्लग गैप कितना होना चाहिए, 0.6 से लेके 0.8 mm, 0.5 से लेके 0.7 mm, 0.7 से लेके 0.9 mm, 0.4 से लेके 0.7 mm। तो इसका सही आंसर है 0.5 से लेके 0.7 mm के बीच स्पार्क प्लग गैप होता है। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन है, एक क्लच को आमतौर पर अधिकतम टॉर्क संचारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि अधिकतम इंजन स्ट्रोक के बराबर, अधिकतम इंजन स्ट्रोक का 80%, अधिकतम इंजन स्ट्रोक का 150%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम स्ट्रोक का 150%। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, हेलिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर अल्टरनेटर सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बृद गंगा कहा जाता है, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38वां है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39वां है, इंजन शीतलन प्रणाली कूलिंग सिस्टम में कौन सा पीवीसी पदार्थ है, हॉज, फैन लीफ, रेडिएटर कोर, रेडिएटर टैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉज, हॉज पाइप।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40वां है, एक मानक के अनुसार एक वर्ष में वाहन को कितने घंटों से अधिक प्रयोग करने पर ईंधन की खपत बढ़ जाती है? 100 घंटे, 200 घंटे, 400 घंटे, 800 घंटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 घंटे। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन है, सामान्यतः दो तरह के टायर होते हैं, ट्यूब व ट्यूबलेस टायर, सॉलिड व ट्यूबलेस टायर, एयर एंड न्यूमेटिक टायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब व ट्यूबलेस टायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42वां है, बेरिंग किस धातु के बने होते हैं? ढलवा, लोहा, इस्पात, पीतल, एल्युमिनियम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा और इस्पात के। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेवल के नीचे लगा रहता है? फोर्स फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स फीड सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44वां है, वाल्व स्प्रिंग किस धातु के बने होते हैं? स्टील, ब्रास, कॉपर, क्रोम, वैनेडियम स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोम वैनेडियम स्टील के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45वां है, सिंगल पीस में निर्मित सिलेंडर ब्लॉक को क्या कहते हैं? सिंगल सिलेंडर, मोनोब्लॉक सिलेंडर, ब्लॉक सिंगल सिलेंडर, ट्राई सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोब्लॉक सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 46वां है, वह पीरियड जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व वो इनलेट वाल्व दोनों खुले रहते हैं वो क्या कहलाता है? ओपन लैप, ओवरलैप, क्लोज्ड लैप, ओवरसैप। तो इसका सही आंसर है क्लोज्ड लैप। क्वेश्चन नंबर 47वां है, पिस्टन रिंग किसके बने होते हैं? रफ आयरन, कास्ट आयरन, मीडियम कास्ट आयरन, सॉरी मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है कास्ट आयरन, पिस्टन रिंग कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48वां है, हाई रेड चार्जर का प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितने डिग्री से अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 53 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां डिग्री सेल्सियस। 49वां क्वेश्चन है, ब्रेक ड्रम किस धातु के बने होते हैं? एल्यूमिनियम, स्टील, कास्ट आयरन, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है, वाहनों के सेल्फ स्टार्टर कितने एम्पियर की विद्युत खर्च कर देते हैं?
सेल्फ स्टार्टर जो होता है वो कितने एम्पियर विद्युत खर्च कर देता है? 15 से 30 एम्पियर, 70 से 100 एम्पियर, 20 से 50 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, अनिश्चित। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 से 30 एम्पियर। सेल्फ स्टार्टर जो होता है वो 15 से 30 एम्पियर तक विद्युत खर्च कर देता है। ये थे 50 क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बीच में एक का आंसर दे दिया था और एक जो दोबारा से रिपीट हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, बाल्ब क्लीयरेंस का उद्देश्य होता है, सॉरी, और क्वेश्चन है, यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल दूधिया दिखाई देता है, जागदार बने होते हैं, काला हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूधिया दिखाई देता है, अपीयर्स मिल्की। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया है? जो ये चित्र में दर्शाया गया है किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली है? अप्रत्यक्ष प्रणाली, वायु शीतलन प्रणाली, थर्मोसाइफन प्रणाली, दाब प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोसाइफन प्रणाली। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। थोड़े से क्वेश्चन टफ थे, पर आपने ऐसा मान के चलना है कि अगर ऐसा पेपर आ जाए तो ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं थे, पर आपने मान के चलना कि ऐसा पेपर आ जाए तो आपके कितने नंबर आएंगे पेपर में। धन्यवाद।